हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे ये ऑर्किड्स के बारे में बात करूंगी। ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स है अर्थ पे। बहुत खूबसूरत प्लांट्स होते हैं और एक बार ये खिल जाएं तो काफ़ी टाइम तक रहते हैं ये फ्लावर्स। देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं। ये जो ऑर्किड्स होते हैं ये एपिफाइट्स होते हैं। एपिफाइट्स मतलब ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर पेड़ों की जो कैनोपी, मतलब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो मिलके फॉरेस्ट के ऊपर एक छत बना लेते हैं। उस छत के उस कैनोपी के नीचे पेड़ों की जो बड़े बड़े तने होते हैं या जो तने टूट के गिर जाते हैं उनके साइड्स में, ऐसी कंडीशंस में, ह्यूमिड वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस में ये उगते हैं वहाँ पे रेन फॉरेस्ट्स में। तो इन प्लांट्स को जो है वो थोड़े हमारे यहाँ आके इस कंडीशंस में ये थोड़े डेलिकेट प्लांट्स होते हैं, क्योंकि हम लोग जो प्लांट्स लेके आते हैं, जैसे मैं ये नर्सरी से लेके आई हूँ, तो ये अपनी नेचुरल कंडीशंस में उगा हुआ नहीं है। ये ऐसे गमलों में उगाया हुआ है। नेचुरल कंडीशंस तो इनकी वो होती हैं जो जंगलों में ये उगते हैं, तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा हमें केयर करके रखना पड़ता है, तो ये हमारे प्लांट जो है वो अच्छी तरह चलते हैं। तो ये देखिए, और जो सबसे इजीली कई ऑर्किड्स होते हैं, कई इतने खूबसूरत खूबसूरत ऑर्किड्स होते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको ऑर्किड दिखा रही हूँ ये डेंड्रोबियम फेलेनोप्सिस ग्रुप का जो है वो ऑर्किड है। और ये सबसे इजी होते हैं घरों की अपन हमारे होम कंडीशंस में उगाने के लिए, इजी रहते हैं ये प्लांट्स उगाने। तो इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इनको जो है वो कैसे लगाना है। सबसे पहले तो हम इनकी, जैसे मैंने बताया कि ऐसी कंडीशंस में उगते हैं, है ना, तो इनको जो लाइट है वो बिल्कुल डायरेक्ट लाइट नहीं मिलती है वहाँ पे इनके नेचुरल कंडीशंस में। पेड़ों की जो कैनोपी होती है उससे छन छन के जो नीचे हवा आती है, नीचे जो सॉरी आती है लाइट, वो इनको मिलती है। तो इनको जहाँ भी आप रखें अपने घर में, ऐसी जगह रखें जहाँ इनको डायरेक्ट धूप नहीं मिले, ऐसी जगह रखें जहाँ इनडायरेक्ट लाइट मिले और छन छन के आती हो। अगर इंडोर्स में आप रख रहे हैं तो इनको आर्टिफिशियल लाइट भी मिल सकती है, बड़ी डिम और ऐसे फिल्टर्ड लाइट जैसी हो ऐसी मिले, जैसे आप अपने घर में कोई खिड़की हो आपकी और उस पर अगर ज़्यादा लाइट आती है तो हल्का सा कोई पर्दा डाल दें, बहुत पतला सा, उसके पास इसको रख दें, या फिर खिड़की के पास वैसे भी आप रखेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ धूप नहीं आनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। तो इनको जो है वो लाइट जो है कम चाहिए, टेम्परेचर भी इनको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। दिन का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री तक मैक्सिमम हो तो चलता है, और रात को 15 से 18 डिग्री तक का टेम्परेचर चले। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन एकदम कम में या ज़्यादा में ये जो है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप बाहर रख दें तो रात का एकदम कम हो जाए टेम्परेचर और दिन में बढ़ जाए बहुत, तो वो कंडीशंस भी ये जो प्लांट है वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इनको ऐसी जगह रखें जहाँ दिन का 30 तक हो और रात को 18 तक हो जाए, मैक्सिमम 20 तक भी हो जाए, तो ऐसी जगह, बहुत अंदर बाहर भी इसको ज़्यादा ज़्यादा ना रखें, तो ऐसी जगह इनको रखें। अब मैं पानी देने की बात करूँ तो फ्रेंड्स, इसके ये जो फ्लावर्स हैं इनके ऊपर पानी नहीं देना चाहिए। फ्लावर्स पे पानी देने से क्या होता है, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं इनके फूलों को पानी दें। और ये जो पत्तियाँ भी हैं, देखिए अगर आप इनको थोड़ी सी मिस्टिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये जो पत्तियों का ये जो बेस पे देखिए, ये छोटे छोटे से ये देखिए ये जगह बनी हुई है, ये इनमें पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, और यहाँ पे ये देखिए जहाँ से ये फूल का स्टॉक निकल रहा है, इन जगह पर पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसको मिस्टिंग की है, बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, तो इसको मिस्टिंग भी अच्छी लगती है और पानी फिर इसको थोड़ा सा ज़्यादा बार देना पड़ता है ताकि इसको जो है वो ज़्यादा गर्मी नहीं लगे। लेकिन फिर जब आप मिस्टिंग करें तो यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, यहाँ जो पानी और पत्तियों पे अगर पानी रुकता है तो वो इसके लिए बहुत नुकसानदायक है। तो आप क्या करें, अगर मिस्टिंग करते भी हैं तो उसके बाद इमीडिएटली उसको किसी कपड़े से अच्छी तरह ये जगहें जो हैं और सारी पत्ती और ये केन, इसको केन कहते हैं, ये जो इसका स्टेम है इसको केन कहते हैं। ऐसा प्लांट जिसमें 5 से 6 तक ऐसे
केन्स हो, वो थोड़ा सा मेच्योर, थोड़ा सा एज लिए हुए प्लांट होता है। जब आप बाजार से खरीदें तो इससे कम केन वाला प्लांट नहीं खरीदें। देखिए इसकी ये केन थोड़ा सा ओल्ड हो गया, लेकिन मैं इसको अब काटूंगी नहीं। ये न्यू केन्स भी इसमें निकल रहे थे, लेकिन मैं लाई हूँ उससे पहले ही, देखिए ऐसे हो रखे हैं। लेकिन अब मैं इनको कुछ भी नहीं छेड़ूंगी, छेड़ने से ये डिस्टर्ब हो सकता है। तो अभी इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये वाला जो है ये ज़्यादा हो रहा है, तो अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगी भी फ्रेंड्स, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा कोई ख़राब हो रहा है और उसको काटना भी है, तो स्टेरिलाइज्ड जो कोई भी आप प्रूनर लीजिए, बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह रही हूँ कि इस प्लांट के लिए आप स्टेरिलाइज ही यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड से उसको हो सकता है तो स्टेरिलाइज कर लीजिए, और उसके बाद आप इसको यहाँ से कट कर दीजिए। क्योंकि इसके बारे में मुझे अभी डाउट ही है कि इसको कट मैं तो कर ही दूंगी इसको, क्योंकि ज़्यादा ऐसे ख़राब वाला अभी वैसे ही ख़राब लग तो नहीं रहा है, लगा हो तो थोड़ा सा डिजीज होने का डर रहता है, तो इसको मैं स्टेरिलाइज्ड उससे कट कर दूंगी। तो ये देखिए आप इतना इतना ऐसा मेच्योर थोड़ा सा प्लांट लेके आए, और मिस्टिंग के बाद मैंने आपको बता ही दिया अच्छी तरह इसको पोंछ दीजिए। वैसे इसको अपने पत्तों पे और फूल पे, फूल पे तो आप मिस्टिंग भी ना करें, फूल को बिल्कुल भी पानी पसंद नहीं है। पत्तों पे भी जहाँ तक हो सके गीला भी आप पोंछ सकते हैं, लेकिन गर्मी ज़्यादा है तो मिस्टिंग के बाद आप इसको इमिजिएटली इसको पोंछ दीजिए, इस पे पत्तों पे पानी ना रहे। और फिर हम आते हैं इधर, देखिए हम इसकी सॉइल पे आते हैं। तो सॉइल आप देखिए, अब चलिए हम पहले पानी की बात कर रहे थे तो पानी की कर लेते हैं। तो जब भी इन प्लांट्स को किसी भी पॉट में लगाया जाता है, तो ऐसा पॉट, इसकी जो रूट्स होती हैं इनको हवा चाहिए होती है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये पेड़ों के तनों पे लगते हैं, तो वहाँ पे इनकी रूट्स को जो है वो हवा मिलती रहती है, तो इसको हवा मिलनी ज़रूरी है। तो ऐसा पॉट लीजिए, जैसे ये वाला जो मेरा पॉट है, इसमें ये देखिए यहाँ पे ये स्लिट किया हुआ है, ये एक स्लिट किया हुआ है, और ये नीचे इनमें कितने सारे होल हैं ये देखिए। और वैसे भी आप कोई भी पॉट लीजिए, अगर आप टेराकोटा पॉट भी ले रहे हैं, तो उसके यहाँ चारों तरफ ऐसे होल कर दीजिए जगह जगह, ताकि इसकी जो अंदर रूट्स हों उनको हवा मिलती रहे। ये देखिए चारों तरफ यहाँ पे आप कर दीजिए, और जैसे ये एक स्लिट है, ऐसी कई स्लिट्स यहाँ पर इसमें इसलिए कम है क्योंकि इसमें नीचे से सारा निकले जा रहा है पानी, और ये एक स्लिट है। और नर्सरी वालों ने नहीं किया होगा, और मैं इसमें एक दो स्लिट अभी और बनाने वाली हूँ, एक दो स्लिट्स और बना दूंगी। इसकी जड़ों में पानी ज़रा भी नहीं रुकना चाहिए, तो ये अच्छा रहता है। वैसे ट्रांसपेरेंट पॉट्स में भी आते हैं, ट्रांसपेरेंट पॉट में एक फ़ायदा होता है कि वहाँ पर ये जो रूट्स हैं इसकी रूट्स में आप देखिए थोड़ा सा ये देखिए ग्रीन कलर है। इसकी रूट्स भी फूड बनाने का काम करती हैं, देखिए हरी हरी सी होती हैं हल्की हल्की इसकी रूट्स, और ये जो रूट्स हैं ये भी फोटोसिंथेसिस करती हैं, इसलिए ये वाली रूट देखिए आप कितनी ग्रीन है ये देखिए। तो रूट्स को भी रोशनी थोड़ी सी मिलती रहे तो अच्छा रहता है, वो फूड बनाती रहती हैं। और इसके पॉट्स को इसलिए हम ऐसे देते हैं, और पानी जब आप इसको दें तो आप इसको ऊपर से पानी कभी भी मत दीजिए, ऐसे ऊपर से पानी जैसे हम नॉर्मल प्लांट्स को टैप लेके पानी देते हैं, अगर वो पानी इसकी पत्तियों पे रुकेगा तो वो प्लांट मर जाएगा, और फूलों पे पानी पड़ेगा तो प्लांट जो है वो, ये फूल जो है वो धीरे धीरे मर जाएंगे। तो जब भी आप इसको पानी दें तो एक तो देखिए ऐसे दीजिए, किसी बर्तन में इसको रख दीजिए। मैंने अभी छोटे बर्तन में रखा है, आप इतने बर्तन में रखिए जहाँ पर आपका जो फ्लावर पॉट है इतना बस उसका रिम बाहर रह जाए, और इतना इतना वो पानी में अच्छी तरह से डूब जाए। और ऐसे इसको आप 5-10 मिनट रहने दीजिए, और मैंने छोटे में बताया है आप इतना डूबना, इतना ऊंचा बर्तन लें ठीक है, और फिर ऐसे निकाल के 10-15 मिनट में, 5 या 10 मिनट उसमें पड़े रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा देर मत रखिए, और ऐसे निकाल के और फिर उसको किसी और ट्रे में या ऐसे बाहर ऐसे थोड़ी देर छोड़ दीजिए ताकि उसमें से सारा पानी निकल जाए। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं
कि इनको जो ऑर्किड्स होते हैं, ये जिस जैसे ऐसे बर्तनों ऐसे पॉट्स में आते हैं जिनमें साइड्स में ऐसे पॉट में 5-6 स्लिट बना लीजिए साइड में, ऐसे लंबी लंबी काट के। अगर मिट्टी का है तो उसमें भी स्लिट्स वाले पॉट लाते हैं तो उनको ऑर्नामेंटल पॉट्स में रख देते हैं, ये जो सिरेमिक पॉट्स वगैरह में, लेकिन उसमें नहीं रखना चाहिए। वो पॉट्स जो हैं इन प्लांट्स को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उसमें ना तो जड़ों को हवा मिलती है अच्छी तरह और ना ही उनको लाइट मिल पाती है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी इसको पानी दें ऐसे किसी बर्तन में रख के दें और डायरेक्ट ऐसे पानी इसमें ना डालें। अगर फिर भी थोड़ा बहुत डालना है तो यहाँ डाल सकते हैं आप पानी, और पानी बिल्कुल ठंडा पानी इसमें यूज़ ना करिए। कई लोग इसमें आइस भी यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। इनमें थोड़ा थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर, हल्का सा गुनगुना पानी जो होता है वो दें तो बहुत अच्छा रहता है। और ऐसा पानी बिल्कुल भी नहीं दें जिसमें या तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो। कई कई जगहों पर हार्ड वाटर होता है, बिल्कुल नमकीन और हार्ड वाटर, वो पानी इनको नहीं देना है। इनको नॉर्मल पानी देना है, और अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर है तो रेन वाटर इसके लिए बेस्ट होता है। रेन वाटर कलेक्ट करके वो पानी इसको दें, या डिस्टिल्ड वाटर दें इसको तो बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। और क्लोरीनेटेड वाटर, जो क्लोरीन डला हुआ पानी आता है हम लोगों के घरों में, वो क्लोरीन वाला पानी नहीं लेना चाहिए। इसको थोड़ी देर रख के 1-1.5 दिन पुराना पानी जिसमें से क्लोरीन निकल जाए वो दें। ठंडा पानी इनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस में होते हैं, इसलिए इनको ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं होता। और फिर क्योंकि ये ह्यूमिड कंडीशंस में होते हैं तो इनको 50-60% ह्यूमिडिटी अपने चारों तरफ अच्छी लगती है, तो उस ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए आप इसके नीचे एक ह्यूमिड ट्रे भी रख सकते हैं, ह्यूमिडिटी ट्रे भी रख सकते हैं। और वो ट्रे कैसे बनानी है, जैसे देखिए ये बर्तन है, इस बर्तन को पूरा आप पत्थरों से भर दीजिए। पेबल्स आते हैं जो छोटे 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 पेबल्स आते हैं बाजार में, मिलते हैं इतने इस साइज के, वो पत्थरों में डाल, इसमें पेबल्स डाल दीजिए, पूरी इस ट्रे को यहाँ तक भर दीजिए। और भरने के बाद उसमें आप पानी डालिए, लेकिन वो पानी यहाँ ऊपर तक नहीं आना चाहिए। पेबल्स तो ऊपर तक आने चाहिए और पानी नीचे तक रहना चाहिए जितना अभी ये नीचे है। और उसके बाद आप इस प्लांट को लेके उन पेबल्स के ऊपर ऐसे रख दीजिए। ये जो प्लांट का गमला है ये और जो पानी है वो आपस में टच नहीं होने चाहिए। पेबल्स ऊपर से सूखे होने चाहिए जिसके ऊपर आपने इनको रखा है, पानी नीचे ही रहना चाहिए। और वो पानी जब धीरे धीरे इवेपोरेट होता है तो वो इसको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करेगा, तो इसको ह्यूमिडिटी ट्रे में ही रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसे ह्यूमिडिटी अपने चारों तरफ अच्छी लगती है। तो ये मैंने आपसे पानी की बात की। अब उसके बाद हम इसकी सॉइल पे आते हैं। ये देखिए इसकी सॉइल की बात करते हैं, तो इसको जो है जैसे कि ये प्लांट्स के ऊपर ट्रीज के ऊपर उगता है, तो इसकी सॉइल बनाने के लिए क्या किया जाता है कि मेरे पास अभी है नहीं बार्क, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बार्क क्या होती है। ये जो पुराने पेड़ होते हैं, नीम का पेड़ या कोई भी बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, उनमें क्या होता है, बाहर की तरफ एक छाल होती है उसकी, वो ऐसी कटी कटी सी होती है, बाहर मोटी मोटी छाल लगी होती है डार्क ब्राउन कलर की, उसे बार्क कहा जाता है। वो हम अगर हाथ से ऐसे ऐसे उतारते हैं तो इतने छोटी 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 छील जो है वो उतर जाती हैं। तो उन छोटी छोटी छील को उतार कर बार्क को, और बिल्कुल पानी एक पतीले में लीजिए और उसको आप पूरा उबाल लीजिए पानी को। जब वो पानी उबलने लग जाए तो वो जो पेड़ की छाल आप उतार के लाते हैं छोटी छोटी, वो पानी में डाल दीजिए, उबले हुए पानी में डाल दीजिए, और उसको उस पानी में डाल के थोड़ी देर उबलने दीजिए, तो वो आपकी स्टेरिलाइज हो जाएंगी गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में। फिर उनको निकाल के सुखा लीजिए। उसको हम स्टेरिलाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पेड़ का डेड हिस्सा होता है, वो जो बार्क होती है, तो उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह हो तो वो निकल जाए। उसको सुखा लेते हैं और उस एक हिस्सा तो वो वाली बार्क लेते हैं, और एक हिस्सा ये देखिए ये जो कोकोनट की जो है वो शेविंग कटिंग्स लेते हैं, कोकोनट के शेविंग्स ऐसे लेते हैं। ये देखिए ये हरा वाला, आप इसको अच्छी तरह देखिए, जो हम पानी वाला नारियल पीते हैं ना, ये देखिए वो वाला नारियल है ये। और इन्होंने बस उस नारियल के अंदर ही इस प्लांट को यूं ही लगा दिया, इन्होंने बार्क भी यूज नहीं की हुई है। आप एज सच कोकोनट के ये जो ऊपर के जो फाइबर होते हैं इनको काट के इनकी कटिंग्स को
उसमें भी इसको एज सच लगा सकते हैं। तो आप एक हिस्सा तो वो वाली बार्क लीजिए और एक हिस्सा आप ये कोकोनट की कटिंग ले लीजिए, एक या तो आप ये बिल्कुल हरा वाला जो नारियल है उसको सुखा के उसकी कटिंग ले सकते हैं, जैसे इन्होंने आपको ये दिख रहा होगा ये हरा वाला नारियल है, ये देखिए इसको काट के एज सच इसके अंदर ही लगा दिया हुआ है, तो आप इसकी कटिंग्स ले सकते हैं, या वो अपना पानी वाला हरा नारियल आता है उसकी कटिंग्स ले लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े ऐसे कटिंग करके वो ले लीजिए, एक हिस्सा बार्क एक हिस्सा कोकोनट की वो कटिंग्स, और एक हिस्सा आप उसमें चारकोल ले लेंगे, चारकोल वो जो लकड़ी वाला कोयला होता है वो, उसको भी आप गर्म पानी में एक बार स्टेरिलाइज कर लें, और वो आप तीनों चीज़ें एक एक हिस्सा मिला लीजिए, और उसमें आप चाहें तो थोड़ी सी स्फेग्नम मॉस भी मिला लें, ज़्यादा नहीं मिलाएं, जो मॉस स्टिक आती है, और नहीं है आपके पास मॉस तो मत मिलाइए, इन तीन चीज़ों को मिला के आपस में बस वो उसकी सॉइल तैयार हो जाती है और उसमें ये ऑर्किड्स लग जाते हैं। तो ऑर्किड की मिट्टी, ऑर्किड की जो मीडियम होता है ग्रोइंग मीडियम, उसमें मिट्टी नहीं डलती, आप भूल के भी उसमें मिट्टी सॉयल सैंड कुछ भी नहीं मिलाएंगे, बस ये तीन चीज़ों इक्वल क्वांटिटी में मिला के और लगा देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप खाली कोकोनट की कटिंग ऐसे कोकोनट के फाइबर की कटिंग्स लेके इनमें भी इसको लगा सकते हैं, तो ये इनके लिए बेस्ट रहता है। और पानी इसको आप वीक में एक बार देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देना है पानी, और उसके बाद अगर गर्म मौसम है पानी सूखता है आपको लगता है ड्राई हो रहे हैं, तो ड्राई होने से क्या होगा, इसकी ये जो रूट्स होती हैं ये थोड़ी सी ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सी सिल्वरी सी कुछ इकट्ठा होने लग जाता है इसके ऊपर, तो आपको पता चल जाता है कि ये सूख रहा है, तो आप इसमें पानी दीजिए, हफ्ते में एक बार देना है, समर्स में देख लीजिए कि इसको थोड़ा सा जब ड्राई होने लगे तो पानी दे दीजिए। और फर्टिलाइज़र की बात लास्ट में मैं ये करती हूँ कि फर्टिलाइज़र इसको सिर्फ ऑर्किड फर्टिलाइज़र जो आते हैं वो ही देना है, अपने घर से आपको कोई भी फर्टिलाइज़र अपने मन से नहीं देना है, बाजार से ऑर्किड फर्टिलाइज़र लाइए और वो 15 दिन में एक बार इसको देना है, समर मंथ्स में, जैसे आजकल भी थोड़ी सी इसका हमारे यहाँ जो फ्लावरिंग मौसम है आजकल इसको 15 दिन में एक बार दें, और उसके बाद जब ज़्यादा सर्दियाँ आ जाती हैं जब इसका थोड़ा सा कम एक्टिव पीरियड आ जाता है तो आप मंथ में एक बार इसमें फर्टिलाइज़र दें, लेकिन दें सिर्फ ऑर्किड फर्टिलाइज़र, मैं उसके अलावा कोई फर्टिलाइज़र देने के लिए इसको मना कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप बहुत शौकीन हैं तो ये प्लांट ज़रूर रखिए, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं और लंबे टिकते हैं इसके फ्लावर्स। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।